हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हार्डवेयर पल्स। मैं हूं राज और आज मैं बात करने वाला हूं रैम कैसे चूज़ करें। दोस्तों, काफ़ी लोग रैम के चूज़ के बारे में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि वो कौन सा रैम खरीदे और कैसे उसे अपग्रेड करें। तो मैं बेसिक सा गाइड देने वाला हूं जिसमें आप इजीली चूज़ या फिर आप अपना एग्जिस्टिंग सिस्टम के रैम को अपग्रेड कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपग्रेड के बारे में बात करता हूँ। जिसकी ऑलरेडी सिस्टम है और वो अपनी मेमोरी बढ़ाना चाहता है, तो इसमें आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख के आप इजीली आप अपने सिस्टम की मेमोरी बढ़ा सकते हो बिना किसी इश्यूज के। दोस्तों, सबसे पहले आप चेक कर ले कि आपका रैम कौन सा है। बेसिकली ये रैम के ऊपर स्टिकर लगा हुआ होता है, उससे आपको मालूम पड़ जाता है कि ये DDR3 रैम है या DDR4 रैम है। ऐसा ना हो कि आप जाके मार्केट से DDR4 रैम खरीद के लाएं और आपको आने के बाद पता चले कि ये DDR3 रैम आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये मदरबोर्ड से इनकॉम्पेटेबल भी होगा और वो रैम कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए आप सबसे पहले रैम के ऊपर लगे लेबल से आप मालूम कर ले कि ये DDR3 है या DDR4 है। दोस्तों, दूसरी बात ये कि ये रैम की फ्रीक्वेंसी क्या है। जनरली DDR3 रैम 1333 मेगाहर्ट्ज से 1666 या फिर 1866 मेगाहर्ट्ज के रेंज में आता है और DDR4 बेसिकली 2166, 2400 और 2600 के फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होता है। तो आप देख ले कि आपका रैम कितने मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फिर आप वही एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी खरीदेंगे तो आप बेनिफिशियरी रहेंगे। वरना अगर आपके पास 1866 का रैम खरीद लेते हैं और आपके सिस्टम में 1666 का रैम है, तो आपका रैम जो है 1666 के स्पीड पे ही चलेगा, जो कि सिस्टम का रूल है, वो बेस्ट लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी पे ही चलेगा। आपका एक्स्ट्रा मेगाहर्ट्ज पे पैसे स्पेंड करना बाकी का सब बेकार जाएगा। इसलिए आप मेगाहर्ट्ज चेक कर ले। और इससे और एक बात की इससे कॉम्पैटिबिलिटी इश्यूज हो सकता है, क्रैशेस भी हो जाए सिस्टम कभी कभी, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। और हाँ दोस्तों, अगर आप रैम सेलेक्ट करते हैं तो आप कंपनी देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि सब कंपनीज का क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो आप कंपनी मिक्स करने का इतना टेंशन ना लें। सिर्फ आप देखें कि अगर आपके पास 4GB है तो एक्स्ट्रा 4GB लगाएं, और आपके पास 8GB है तो एक्स्ट्रा 8GB लगाएं, और मेमोरी फ्रीक्वेंसी भी जितना आपका ओल्डर वर्जन में है उतना ही खरीदे। तो इससे आपका पैसे भी बचेगा और आपके कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी नहीं आएंगे सिस्टम में, जो कि फ्रीक्वेंट रिस्टार्ट होते हैं, कंप्यूटर्स क्रैश हो जाते हैं या फिर फ्रीज हो जाते हैं। तो इसके लिए आप ये सब बातों का ध्यान रखें। अगर आप नए बिल्ड बनाना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कौन सा रैम लूँ, DDR3 लूँ या फिर DDR4 के उसमें लूँ, तो दोस्तों, आप जो भी कंप्यूटर असेंबल कर रहे हैं, आप बिल्कुल ही लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर मदरबोर्ड यूज़ करिए और उसमें बिल्कुल ही आपको DDR4 रैम काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देगा अगर हम कंपेयर करें इसको DDR3 से। दोस्तों, जहां पे DDR3 का मैक्सिमम मेमोरी 1866 पे रुक जाता है, वहीं पे DDR4 2400 पे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, जो कि बिल्कुल ही टेस्टेड है और 2400 से स्टार्ट होता है। अगर आप हाई परफॉर्मेंस रैम लेते हैं और उसे लेटेस्ट मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर से आप उसे ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं अप टू 4000 मेगाहर्ट्ज। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, हालांकि 2400 मेगाहर्ट्ज का बेस क्लॉक भी आपके गेमिंग के लिए काफी रहेगा और जनरल वर्क के लिए काफी रहेगा। आप ओवरक्लॉक पे फोकस करें जब आपको हेवी एडिटिंग करना हो या फिर कुछ और हेवी सॉफ्टवेयर यूज करना है, तभी आप हाई मेगाहर्ट्ज के लिए ऑप्ट करें। दोस्तों, कई लोग परेशान हो जाते हैं जब वो लोग सुनते हैं टेक्निकल टर्म जैसे कैश लेटेंसी, हाई बैंडविड्थ और ड्यूल चैनल मेमोरी। दोस्तों, अगर आप गेमर हैं तो ये सब चीजों की आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसके बारे में ज़्यादा सोचने की, क्योंकि ये आपके पॉकेट पे काफ़ी भारी पड़ेगा और परफॉर्मेंस के मामले में ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इसका इफेक्ट आपको कुछ भी नहीं होगा अगर आप बिल्कुल ही सीरियस कंटेंट क्रिएटर है या फिर हाई एंड पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, तभी आप इसके बारे में सोचिए। हालांकि ये सब से आपके सिस्टम परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप नॉर्मल यूज करते हो या फिर हेवी मल्टीमीडिया यूज करते हो या फिर आप सीरियस गेमर हो, तभी भी आपको ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सब टर्म के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और LED या फिर हाई फ्रीक्वेंसी वाले आपके सिर्फ
वॉलेट पे ही भारी पड़ेंगे। हालांकि परफॉर्मेंस के मामले में कोई जनरल सा रैम ही आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और फैंसी हीट स्प्रेडर्स के बारे में आप मत देखिए, क्योंकि ये सिर्फ अच्छे दिखने के लिए होते हैं। हालांकि रैम इतनी गर्म होती ही नहीं है कि उसको कोई हीट स्प्रेडर की ज़रूरत पड़े। दोस्तों, मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप नॉर्मल यूसेज करने के लिए सिस्टम लेना चाहते हो तो आप 8GB रैम काफ़ी होगा आपके सभी सॉफ्टवेयर और हेवी मल्टीटास्किंग के लिए। अगर आप सीरियस गेमर हो तो आप 8 से 16GB का रैम आप यूज़ कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन करना है या फिर हेवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है या फिर वीडियो एडिटिंग करना है तो आपको 16GB या फिर 32GB के लिए आप ट्राई कर सकते हो। दोस्तों, अगर हम बात करें ड्यूल चैनल मेमोरी की, तो दोस्तों जब दो स्लॉट होते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सिंगल स्लॉट ही यूज़ करें। अगर आप 2 4GB का यूज़ करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक ही 4GB या फिर एक ही 8GB का स्लॉट यूज़ करें और अगला स्लॉट एम्प्टी रखें आप अगले एक्सपेंशन के लिए जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, ड्यूल चैनल मेमोरी से हालांकि इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसके बारे में सोचें। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई टॉपिक मिस कर दिया तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।